हे दोस्तों, मैं हूं शरीफ और आप देख रहे हैं ऐसे शो। आज हम बात करेंगे कोलकाता के विजिट के बारे में। अगर आप कोलकाता जाएंगे तो कहां कहां पे विजिट कर सकते हैं और इसका प्राइस कितना होगा, तो चलिए देखते हैं आज का शो कोलकाता बेस्ट प्लेसेस। कोलकाता द सिटी ऑफ जॉय, इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट सिटी एंड पश्चिम बंगाल का राजधानी शहर है। दोस्तों, कोलकाता 300 साल से भी पुराना वाला शहर है। ब्रिटिश ने लंदन की तरह ही गंगा रिवर के पास कोलकाता को बसाया था, जो कि अभी नॉर्थ कोलकाता के नाम से जाना जाता है। बंगाल में जिसे आदि कोलकाता भी बुलाया जाता है। नॉर्थ कोलकाता में आज भी आप लोगों को ओल्ड हिस्टोरिकल आर्किटेक्चर देखने को मिल जाएगा, लेकिन समय के साथ साथ कोलकाता भी बदल गया। कोलकाता में अभी ऐसी एरियाज हैं जहाँ पे आप जाके सोचेंगे ये कोलकाता है या फिर कोई फॉरेन कंट्री। वो एरियाज बहुत ही क्लीन है, बहुत ही डेवलपमेंट है, चारों तरफ ग्रीनी है एंड हाई स्काई लैंड भी। मुझे याद है कहीं सुना था टाइम ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल आया था, उनका नाम गायत्री थी, लेडी डॉक्टर थी। 30 ईयर के बाद वो जब कोलकाता आया, उन्होंने जो फील किया वो टाइम्स ऑफ इंडिया ने उनके आर्टिकल में लिखा था। उन्होंने कहा था, मैं जब एयरपोर्ट से अपने रिलेटिव के घर जा रही थी, मैं सच में पहचान नहीं पाया था कि ये कोलकाता है या फिर कोई गलत जगह पे आ गया। फिर उसके बाद टैक्सी ड्राइवर ने कोलकाता के चेंजेस के बारे में बताया। कोलकाता जितना ही मॉडर्न है, लेकिन आत्मा अभी भी वही है। उन्होंने और भी बहुत कुछ कहा था, सब बोलूंगी तो 1 घंटे से ऊपर लग जाएगा। चलिए जानते हैं अगर आप कोलकाता विजिट करेंगे तो क्या क्या देखने को मिल जाएगा। इंडियन म्यूजियम। दोस्तों, ये बिल्डिंग जितना भी पुराना है उससे भी ज्यादा पुराना उसका सामान है। इसके अंदर आपको मम्मी, डायनासोर और भी बहुत कुछ देखने को मिल जाएगा। इंडियन के लिए यहाँ का टिकट प्राइस है 20 रुपीज़ एंड फॉरेनर के लिए 500 रुपीज़। विक्टोरिया मेमोरियल, ये बिल्डिंग काफ़ी हद तक ताजमहल की तरह दिखाया जाता है। ब्रिटिश समय काल में रानी विक्टोरिया यहाँ पर रहती थी और उनके नाम से ही बिल्डिंग का नाम रखा गया था। इसका एरिया बहुत ही बड़ा है। इंडियन के लिए गार्डन विजिट 10 रुपीज़, इसके अंदर जाने के लिए 20 रुपीज़ एंड फॉरेनर के लिए 100 रुपीज़। हावड़ा ब्रिज, कोलकाता और इंडिया का शान है। 35 ईयर्स ओल्ड ये ब्रिज पूरे दुनिया का बिगेस्ट कंट्री रिवर ब्रिज के नाम से जाना जाता है। यहाँ विजिट करने के लिए आपको कोई पैसे की जरूरत नहीं पड़ती। शहीद मीनार, दिल्ली की कुतुब मीनार की तरह ही स्प्लेंडर बस स्टॉप के पास ही आपको ये देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर भी कोई चार्ज नहीं लगता है, जो कि 1813 में इसको बनाया गया था। जनरल पोस्ट ऑफिस 1868 में इसको बनाया गया था। इंडिया का ज्यादा से ज्यादा इन आउट का काम यही होता है। ब्रिटिश बिल्डिंग, ये पश्चिम बंगाल सरकार की सचिवालय है। यहाँ पर ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बाकी मिनिस्टर की ऑफिस है। ये बिल्डिंग बहुत ही पुरानी है और बहुत ही खास है। आप इसको बाहर से देख सकते हैं, लेकिन सावधानी से, यहाँ पर 24 घंटे सिक्योरिटी रहती है। क्लॉक टावर, बिल्कुल लंदन की तरह ही सेमिनार देती है ये क्लॉक टावर। अगर आप एयरपोर्ट से कोलकाता आएंगे तो रास्ते में ही आपको देखने को मिल जाएगा। नखोरा मस्जिद, कोलकाता की स्प्लेंड एरिया में ये मस्जिद है और बहुत ही फेमस है। गुरुद्वारा, कोलकाता की भवानीपुर में ये गुरुद्वारा है। इसमें 2 टाइम का खाना भी दिया जाता है लोगों को। कोलकाता गेट और विश्व बंगला गेट, हाल ही में ये बनाया गया गेट कोलकाता की न्यू टाउन में है। आप इस गेट के ऊपर उठ के कोलकाता की सारी सुंदरता के साथ साथ रेस्टोरेंट का मजा भी ले सकते हैं। ट्राम, फॉरेन कंट्री में आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन इंडिया में सिर्फ कोलकाता में कहीं कहीं जगहों पर ये ट्राम देखने को मिल सकता है। अगर आप कोलकाता जाएंगे तो ट्राम का मजा जरूर लीजिएगा। ईडन गार्डन, वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट स्टेडियम है ये गार्डन। दोस्तों, कोलकाता में बहुत सारे पार्क है, लेकिन इको पार्क की बात ही कुछ अलग है। कोलकाता का वन ऑफ द बेस्ट पार्क है ये। यहाँ पे आपको चारों तरफ ग्रीन ही ग्रीन दिखाई देगा। ये पार्क इतना बड़ा है कि आप एक दिन चलकर इसको कंप्लीट नहीं कर सकते। मैं दिल से रेकमेंड करूंगा कि आप कोलकाता जाएंगे तो इको पार्क में जरूर जाइए। मदरवैक्स म्यूजियम, इको पार्क के बगल में है ये। यहाँ पर आपको बहुत सारी बंगाली सेलिब्रिटी, पॉलिटिक्स, क्रिकेटर्स, इन सब की टैचू देखने को मिल जाएगा।
आप इनके साथ सेल्फी भी ले सकते हैं। यहाँ पर टिकट का प्राइस है 150 रुपया। दोस्तों, कोलकाता इतना बड़ा और इतना सुंदर है कि एक वीडियो में इसका सुंदरता का बयान करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अगर आप इसका सेकंड पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट पे ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। जय हिंद।